छा जा, अपनी गेम उठा जा। तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार ना, तेरी किस्मत होगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ पैंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेक। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं? आखिरकार 64th डे आ गया जब आप सबको इंतजार था कि ग्रैंड फिनाले आए, और कौन खुशनसीब है जो तमाशा सीजन 3 का विनर बने। इस वक्त इस ऑडियंस में, इस हॉल में मेरे साथ मौजूद हैं सीजन 1 और सीजन 2 के विनर्स उमर अरुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बता दें कि तमाशा ने आपकी ज़िंदगी में क्या तमाशा कर दिया? तमाशा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मतलब अब मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग कहते हैं अरे आप तमाशा, बिल्कुल मैं तमाशा वाला हूँ, बिल्कुल सब बातें जो है वो वही करते हैं तमाशा की। आज भी तमाशा की बातें किए जाते हैं। अरुबा आप बात करना चाहेंगे कुछ? वो मना कर रही है। अरुबा, तमाशा ने ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आया? तमाशा से ज़िंदगी में ये तब्दीली हुई कि मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई ये कहता है कि क्वीन ऑफ तमाशा आ गई, तो वो एक प्राउड फील होता है माशाल्लाह कि तमाशा ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था जिससे आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो आज भी जो जीतेगा वो दुनिया में जहाँ भी जाएगा तमाशा विनर के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन इस तमाशा में जहाँ आप सब बहुत बड़ी रौनक हैं, आपकी सबसे बड़ी रौनक जो इस महफिल की शान है और हम सब की जान है, बुलाते हैं हम बादशाह सलामत को। नहीं, मेरी अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अदनान पुकारूं, मैं आपको बादशाह सलामत पुकारूं। आप अदनान कह सकती हैं, बिल्कुल अदनान, बिल्कुल ठीक, इतनी प्यार से जितनी प्यार से आपने अभी कहा है अदनान। आपको ये सब लोग प्यार करते हैं। मैं बादशाह सलामत हो ही नहीं सकता अगर ये लोग ना हो। एक साथ 18 लोगों को एक जगह बंद करके उनसे हर कम्युनिकेशन के जो जराए हैं वो हटा देना बहुत मुश्किल जॉब है। मैं इनसे पूछता भी हूँ, मोबाइल याद आया, कोई याद आया? हाँ। सिवाय घर के हाँ। इनको और कुछ याद नहीं आता सिवाय रिश्तों के, तो वो मोबाइल मोबाइल सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं याद रहता इनको। ये इतने महव हो जाते हैं अपनी हरकत में हाँ। कि सब भूल जाते हैं। अदान, आपने रिश्तों की बात की तो इस वक्त वो सारे रिश्ते यहाँ मौजूद हैं जिनके दिल धड़क रहे हैं कि आज 5 में से कौन है जो विनर बनने जाएगा, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उस खूबसूरत चेयर पर जो आपकी है और आपकी ही रहेगी उस पर जाकर आप बैठिए प्लीज। बैठे बैठे बैठ जाए बैठ जाए। ओके जी, तो सिलसिले को ग्रैंड फिनाले के आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सबसे पहले उनसे जो इस घर से बेघर हो गए। जी दानिया, ग्रैंड फिनाले के दिन लगता है कि अगर मैं होती इन 5 में से कहीं, आई वॉज द लास्ट एलिमिनेशन, और वो भी मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग बात है कि जो इंसान कभी सेफ्टी टास्क में जीता नहीं और आवाम कहाँ तक ले आई, तो वही एक जो जीत है दिल में वो इतनी फलफूल रही हूँ कि बीच में ऑफकोर्स एज ह्यूमन मेरी कैपेसिटी लो भी हुई, मेरी परफॉर्मेंस भी लो हुई, लेकिन उसके बाद भी फाइव वॉज अ लास्ट एलिमिनेशन, दैट इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड ऑफकोर्स यहाँ सब जीतना है। लेकिन इस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन पाँचों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और जानने के लिए कि उनमें से कौन जीतेगा। अयाज, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है और खुशी हम सब के लिए है। अच्छा, मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दूं और आपसे ये पूछ लूं कि इन 5 में से आपका फेवरेट कौन है? सारी फेवरेट्स हैं। नहीं, सच बता रहा हूं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं भाई, अगर दोस्ती के उसमें आता है तो ऑब्वियसली वजीहा। ओके नोमान, कैसी रही आपकी कुर्बानियां तमाशा में? ये देख लीजिए क्या हाल हुआ है हाथ का। तो कैसा लग रहा है आपसे पूछूं कि आपका मोस्ट फेवरेट? भाई हर वो कंटेस्टेंट जो बेघर हो गया है, इस घर से निकल गया है, वो आज बताएगा कि आज इन टॉप 5 में से उनका फेवरेट कौन है।
जी नोमान, अगर सबसे मेरा फेवरेट मैं अगर फील करता हूँ तो वो अकील है। अकील है और मेरी अम्मी की सायमा है। सोचे अम्मी की सायमा है, मेरी एक ही घर में अलग अलग फेवरेट है। अयास को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं, हर बंदे की अपनी चॉइस है। मेरे घर में भी अम्मी को सायमा पसंद है, सायमा अच्छी लगती है। अच्छा, हम लोग माइक के बगैर बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे माइक अभी भी लगा हुआ है। आदत हो गई है। हर बंदा चेक, नहीं माइक नहीं, ओके 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 ओके। जी ईमान, दो दो बार आपको एंट्री मिली, इस हवाले से आप बड़ी लकी रहीं। पहले तो मैं ARY का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे आई, और मुझे लोग जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे। जब मैं यहाँ से निकली एयरपोर्ट पे गई तो कहते आप ईमान फातिमा सिंगर तमाशा वाली, तो मैं इस नाम से मशहूर हो गई, ईमान जी तमाशा वाली, तो मुझे सब लोग इस नाम से अब जानते हैं। ओके शरीफ, बेगम के आने के बाद हालात आपके खासे चेंज हो गए, भारी आ गए आप, आपने इतना दिल पे ले लिया उनका आना? मैंने कहा कि एक दफा खुल के खेलें जरा, बेगम ने जो काया बातें उसको दिल पे लेके और समझा मैंने अच्छी तरह से, और मैंने कहा कि सबको खोलते हैं अब तो। जैसे ही मैं खोलना स्टार्ट हुआ, मैं खुद ही बाहर ही खुल गया, बाहर ही आ गए। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट आज के लिए ग्रैंड फिनाले में 5 लोग, उनमें से आपका फेवरेट? मेरे लिए वजीहा, आई वांट हर टू विन। वजीहा? यस जी। अब्दुल्ला, तबीयत कैसी है अब आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी बेहतर है मेरी, और उस टाइम पे तो मेरी पंजाबी वाली लक और इंग्लिश वाली लक दोनों खराब थी। दोनों ने सफर किया। आज के दिन आपका वोट किसको जा रहा है? मेरी अपनी फेवरेट जो है वो वजीहा है। अच्छा, जुनेद को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनेद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज भी अपने दोस्त के साथ बैठे हैं? हाँ, तो इत्तफाक से। ये इत्तफाक नहीं है, ये बाय चॉइस है। हमने तो सीट्स लगा दी थी, कहीं भी कोई बैठ जाए, ये आपने चूज किया है। तो आज आपका फेवरेट कौन है? हुमना के अलावा कोई नाम आज के 5 लोगों में से? वजीहा और अकील। जी हुमना, आपसे भी अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी फेवरेट सीट चुन ली? हाँ, माही के साथ। यस। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है कौन जीतने जा रहा है आज? बहुत मजा आ रहा है, एंड आई थिंक अकील एंड अरसलान, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। आई एम रूटिंग फॉर देम इंशाल्लाह। माही बलोच। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माही, तीनों दोस्त साथ बैठे हुए हैं जी। हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पे जिस तरह बैठा करते थे। आप साइमा को मिस कर रही हैं? नहीं। आप किसको चाहती हैं जीते आज? मैं चाहती हूँ अरसलान और अकील में से कोई जीते, एंड आई एम रूटिंग फॉर देम। दोनों ने बहुत अच्छा खेला है, मेरी फैमिली को भी दोनों बहुत पसंद है, मेरे इर्द-गिर्द जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत पसंद है, तो हाँ। अरसलान और अकील बेस्ट। अच्छा जी, हम अरसलान के पुराने दोस्त आगा से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं कौन जीते? पर्सनली अभी जो रिसेंटली मैंने जितने एपिसोड देखे हैं उस पे मैं चाहूंगा कि अकील जीते। ओके जी मानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आपका जवाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपका जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप बता दें कि आप क्या चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स जी, देखें ए ए ए, ए फॉर अनम, ए फॉर अकील, ए फॉर अरसलान, सो आई थिंक आई बी वेरी हैप्पी अकील या अनम में से और अरसलान में से कोई भी जीते। अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं कि ज़रा ये देख लेते हैं कि आज के दिन जबकि उनके दिल धड़क रहे हैं, परेशान हैं, एक्साइटेड हैं, उन्होंने पूरा दिन क्या किया ये देख लेते हैं। अच्छा दिन है, बड़ा दिन, बड़ा दिन है, इतना बड़ा कि गुजर ही रात में नींद नहीं आई। कसम से हम दोनों नहीं सो सके, रात में नींद नहीं आई। ये भी आवाज़ें निकाल रहा था आधी रात को उठ के, मैं भी मैं तो बिस्तर के अंदर जागा, मेरी आँख खुली। मैं कसम से मेरा मुझसे भी नहीं सोया जा रहा, दिमाग जो है बार बार कभी मैं स्टेज पे चला जाता था, कभी मैं क्या कर रहा होता था। ये बड़ा ही मुश्किल लम्हा है गाइस, लेकिन मैं मिस करूंगा इस जगह को, बर्तन धोने को। मैं आज चली जाऊंगी, मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे योगा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग, दिस इज माई लास्ट योगा टुडे हियर इन दिस एरिया। कल से मैं अपने घर में योगा करूंगी, ये मेरी लास्ट सुबह है यहाँ पे जिंदगी में, नहीं जिंदगी तो बहुत जीनी है। तुम टेबल साफ कर देना, मैं कन्फेशन में पहुंचा। मैं टेबल भी साफ कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं मैं वहाँ पहुंचा, छोड़ दो, कन्फेशन में भी मैं रख देता हूँ। तो क्या हो गया? हाँ कन्फेशन में भी मैं रख देता हूँ।
तो रख देते पहले यार मुझे। भाई हम घर में भी घर से निकलते हैं तो घर को साफ भाई कर रही हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुमने अभी क्या है मुझे? मैंने कहा टेबल तुम साफ कर देना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं कर देता हूँ, आप अंदर चले जाओ, मेकअप में तैयार हो जाओ। मैं अकेली यहाँ पे नहीं हूँ भाई, और लोग भी हैं। तो छोड़ दो ना, तुम्हें किसी ने कहा है? खुद काम करती हो, खुद ही बोलती हो। तो मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ उसका मतलब ये नहीं तुम मुझे बोलते हो। मैंने तुम्हें कहा ही नहीं है कोई काम करने का, कहा है? वजिया से भी बोलो, महारानी मैं क्यों कहूँ किसी से, मैं वजीर हूँ। तो फिर क्यों कह रहे हो यहाँ पे? भाई मैं वही कह रहा हूँ, छोड़ दो, इतना ज्यादा काम ना करो उठा के कन्फेशन में रखना। भाई आप तुम खुद ही करो, थक जाओगी। शाबाश, जितनी देनी थी ना तो मैं इज्जत दे ली मैंने, खुद करो। मत करो। ग्रैंड फिनाले स्टार्ट हुआ जाता है, कुछ ही लम्हों में आपको पता चल जाएगा तमाशा सीजन 3 का विनर कौन है। सोचो डांस कौन कौन कर रहा होगा। अपने दिल की धड़कन को थाम के रखिए क्योंकि वो टाइम आया जाता है। माही हम ना मानो, एंड द विनर इज नमान भी शायद माही। वो नहीं कर रहा होगा, मानी नहीं कर रहा होगा डांस। मानी भाई मानी तुम्हारे लिए स्पेशल करेंगे। तुम्हें कुछ जलन हो रही है? अगर मेरे को स्पेशल करना चाहो। मुझे क्या जलन हो रही है मानी? मानी से मुझे क्या जलन होगी? Really? Yes. He's very talented. He's very talented. So what? So anyone can be jealous. He's my brother. If he's talented. हाँ तो मुझे अच्छा लगता है मेरा कोई दोस्त ऐसा talented. हाँ तो. I'm proud of him. Exactly. Why would I? मैंने भी बोला. I'm proud. तो तुम jealous क्या हो? तुम तो. तो अगर वो पहले तुम कर भी रहे तो मेरे लिए खुशी की बात है ना. पहले तो तुम मोहल्ले में तलाकें कराती थी तब तुम्हें निकाला उन्होंने. क्या तमाशे में जाओ. चुप हो जाओ. जाते जाते भी ये जलीलो खुआर करके बता के कि जी अगला जो है वो बिल्कुल ही माठा है, मैं ही हीरो हूँ, जाते जाते भी ये करके जा रहा है। मैंने क्या लफ्ज बोला है? असल में जो जो आया उसने हीरो हीरो बोला है, तुम लोगों के दिमाग में हीरो हीरो रहेगा। आज खुद हीरो कोई नहीं होता यहाँ पे। आज खुद क्या बदल लो, पब्लिक ने कहा। पब्लिक ने कहा है तो तुम मुझे क्यों कहे? बोल दो जिसने कहा है, बोल दो जिसको तुमने कहा है, सब गेस्ट को तुम वो कह रही हो। इतना क्यों जेलस हो रहे हो मुझसे भाई? मैं तुमसे क्या जेलस होऊंगा? तुम तो मेरी हंसी से क्यों जेलस हो रहे हो? मेरी मर्जी में जेलस। मैं तुमसे जेलस नहीं हो रहा, तंग हो रहा हूं। तुम जेलस हो, इनसिक्योर हो। मैं तुमसे मर्जी नहीं हूं, तुम मुझसे कम ना। मैं जेलस नहीं, तंग हो रहा हूं तुमसे। तंग नहीं हो रहे, तुम जेलस हो रहे हो। बदबू आ रही तुम्हारी। कोई बात नहीं, मुझसे बहुत आदमी जेलस होते हैं। यू आर वन ऑफ देम। ओके बिला वजह तुम तुम्हारी क्या बात है? तुम्हारी कंपटीशन हूं ना, तुम मेरे कंपटीशन, तो कहां से आगे तुम जेलस हो रहे हो? तो मैं मैंने तो कहा ही नहीं मैं जेलस। तुम्हारी बात क्यों और ऐसी हरकतें कर? मैं तो तंग हूं बस। तंग नहीं, तुम जेलस हो। मैं तंग हूं। बॉक्स है तुम्हारे अंदर। मेरे अंदर बॉक्स भी है, फॉक्स भी है, शॉक्स भी है, रॉक्स भी है। बड़ी देर मुझे समझ आई और बार-बार मैं अपने दिमाग को मनाती नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार ही मुझे प्रूव करता है ऐसा ही है। रात को जो बात समझा रहे थे तो मैं देखो अभी निकल आई ना इसकी बाहर। बॉक्स तुम्हारे अंदर है, मेरी बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अंदर क्या है? आपके हंसने पे प्रॉब्लम नहीं है, आपको तुम्हारे अंदर क्या है? आपको तकलीफ है। इंसाफ, इंसाफ व्हाटएवर। लेमन मैक्स से अपने अंदर को धो, साफ हो जाओ। तुम धो जाके, तुम्हारे अंदर भरा हुआ पता नहीं क्या गुबार मेरे लिए। गुबारे अंदर मेरे बहुत ज्यादा। एक प्लेट नहीं धोई, मेरा काम है प्लेट धोना, मैंने धो दी, उठा दी। अब देखा ये सारे टॉपिक छेड़ गई हूं। हां मैं छेड़ूंगी। तो लड़कियां नहीं है यहां पे और उनको जाके क्या घर ऐसे ही छोड़ के चले जाएं? मैंने उठाया है। हम जब घरों से जाते भी है ना पूरा घर नीट एंड क्लीन करके जाते हैं। मैंने अपना बेड बनाया है, ठीक है? मैंने अपना बेड जाते हैं ना अपने घर को, क्योंकि मैंने अपना बेड भी बनाया जाते हैं। हम तो जा रहे हैं यहां से, एटलीस्ट बनाया है बेड, उसको साफ तो कर दो। मुझसे बात ना करो ऐवी फजूल में। आगे मेकअप में तुम आधा घंटे से बैठी हो, मेरी मर्जी। तो तुम एटलीस्ट ये तो सोचो कि यार घर को साफ करके जाए। उन बर्तनों में हमने खाया था, मैंने साफ किया है, मैंने उठाई चीजें, हमने खड़े हुए किचन में काम किया था। वो आप लोगों के लिए चाय बनाई थी मैंने, मुझे नहीं पीनी। पूरा नाश्ते के तो सबके लिए आया ना। तो वजिया को भी बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें, तुमने बात स्टार्ट की तो मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने खुद धो लिया। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कल नहीं बोला यहां पे जिम्मेदारी। तुमने भी बर्तन की बात की तो मैंने बोला है, मैंने किसी को नहीं बोला, चुप करके बर्तन उठा के बोलूंगी कि मेरी सीट अलग कर दे, मुझे चाहो बोलो, तुम्हें कसम है। पैंटीन और हेड एंड शोल्डर की टीम आ रही है आपकी ग्रूमिंग के लिए। तेरे नाल प्यार पाया तेरा एतबार कीता, जान तो भी वध के मैं दिलों प्यार कीता, सदियां तो चौनियां मैं तेरी दीवानियां, तेरी में गुलामी करा बस एहो चौनियां, बस एहो चौनियां, बस एहो चौनियां। अखियां दे सामने इक वारी आवे तू, अखियां दे सामने इक वारी आवे तू, तैनु समझावा मैं, मैनु समझावे तू। ये ऐसे मैंने हॉरिबल मेकअप किए हैं, आपको क्या बताऊं। अच्छा लेंस मैं एंड में लगाऊंगी, मेरी आंखें थक रही हैं बहुत, अभी नहीं लगा रही। ऊपर से मेकअप खराब हो जाए तो सर पे नहीं होगा मेकअप खराब, वो मैं एंड में लगाती हूँ लेंस। मस्कारा मत करना और नीचे अंडर आई नहीं करना।
इतने दिनों बाद तो कोई मेरे बाल बना रहा, वरना तो मैं अपने हाथ जला ये देखो, ये हमने सारे अपने हाथ जलाए हुए हैं, ये हमारे हाथ जले हुए हैं। बालों को बचाना यार, नहीं तुम सच में अच्छी लग रही हो, तुम्हें पता मेरा तारीफ करने का अंदाज यही है, मैं सीधी तो बात कर ही नहीं सकता। नहीं तुम मच बहुत अच्छी लग रही हो, अनम भी बहुत प्यारी लग रही है, सायमा भी, तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, अनम का ड्रेस बहुत अच्छा है। आप पांचों फाइनलिस्ट वीगो टेल के मोबाइल से सेल्फी ले लें। ओके मैं ये आखिरी सेल्फी है, हाथ पकड़ते हैं, खोलो पहला चक्कर रे, आ जाओ। थैंक यू, हमारी आखिरी सेल्फी, जा हाथ पकड़ते हैं फिर से, एक बार बनता है यार, आखिरी बार, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम, दोबारा हाथ ले रहे हो कल? नहीं हाथ नहीं ले रहे, बस हाथ पकड़े। सो गाइस हमारी आज की लास्ट सेल्फी, तमाशा घर में आखिरी दिन, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो, हम तमाशा सीजन 3 के फाइनलिस्ट हैं। यस यस, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक टू यू टू, मे द बेस्ट मैन विन, मैन और विमेन, मे द बेस्ट मैन और विमेन विन, और हम सभी विनर्स हैं इंशाल्लाह। यस, हम हैं तमाशा सीजन 3 के फाइनलिस्ट। यस, सीजन ढीठ के फाइनल है। चलो चल ब्रो, आज सेल्फी तू ले ले, जा क्या याद रखेगा ये ले। यार मैं ले नहीं सकता, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तू ले। अपनी जगह हो गई? नहीं अब हो गया। डन, ये जितना भी उकसा लो मुझे, आज नहीं लड़ूंगी मैं, एक तो बनती है जाने से पहले, आज नहीं लड़ूंगी मैं, बी बिहेव, बी ब्रेव, कॉन्फिडेंस दे दे अरे काहे को पगला गए हो, काहे को ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो, अरे बहुआ का हो गया रे तुमको, अरे इतना अच्छा सूट पहन के काहे को पगला गए हो। यार आज गुस्सा नहीं करे, आज मैं कह रही हूँ मैंने पहना हुआ है बिहेव, बी ब्रेव, आई एम बिहेविंग। तो जनाब देख रहे हैं आप पैंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वी गो टेल। तो जनाब वक्त गुजर रहा है और हमें इंतजार है उस लम्हे का जब 5 में से कोई एक सीजन 3 का विनर होगा और हम बुलाएंगे अब बादशाह सलामत को कि वो आएं और बल्कि जाएं लेकर आएं अपने 5 कंटेस्टेंट्स को। हाँ जी, अपने दिलों को थाम के बैठिए, मैं उन 5 को लेकर आता हूँ। यस, वो घड़ी आ गई है कि मैं इनको इस घर से रुखसत करूं और दूसरे वाले स्टूडियोज में लेके जाऊं, और उसके बाद क्या होगा कुछ ही लम्हों की बात है। आइए अंदर मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत, क्या हाल है आपके? बादशाह सलामत बैठिए, बहुत बुरे हालात हैं, नर्वस, वेरी नर्वस। माशाल्लाह माशाल्लाह,
जबरदस्त बादशाह साहब को टिप दे, यकीन माने काफी डांगे काफी डांगे। इधर आ जाएं सब लोग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह करे मे द विनर विंस एंड टेक्स द ट्रॉफी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, एयरवाइज जिंदाबाद। बादशाह साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। सर आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। वही डेपर। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वही डेपर। तो क्या लगता है चले लेके आपको? आपने हाथ पकड़ के रखने वहाँ पर। तो इस घर को आखिरी दफा देख लीजिए और अपना वो गाना गा लीजिए। मैं आज चला मैं आज चला जाऊंगा। हम चले जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर दोबारा सीजन 4 में आएंगे। आएंगे बिल्कुल आएंगे। हम आज चले जाएंगे, ये घर बहुत याद आएगा। आप बहुत याद आएंगे। मैं तो आप लोगों से मिलता रहूंगा, मगर आप लोग भी मुझे बहुत याद आएंगे। लिटरली आप सब ने वाकई बहुत अच्छा खेला। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग तमाशा द तमाशा ऑफ सीजन 3। थैंक यू। थैंक यू। तो प्यारी पकड़े और हम चलते हैं अब उधर। अपने प्यारों से मिले, अपने दोस्तों से मिले और उस लम्हे का इंतजार करें। एंजॉय। सब विनर हैं आप लोग मेरे लिए। लिटरली आप सब विनर हैं मेरे लिए। तो आइए मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो। ये देखिए वी आर कमिंग गाइस। बादशाह सलामत। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बढ़िया। अल्लाह हाफिज़ शिकु भाई। बंद हाउस शुरू हमने किया और तमाशा हाउस को ताला लगा के हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय एवरीबॉडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम आई लव यू ऑल। वी आर कमिंग गाइस, वी आर कमिंग। चलें जी इस घर को रुखसत करते हैं। 3 2 1। अल्लाह हाफिज़। And thank you everyone once again. Thank you everyone. दिल धक कर रहा है। हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से। Oh, साइमा दिल धक धक कर रहा है। Oh my. Oh God. Finally हम जा रहे हैं। Finally. Oh my God. Grand finale और जिसका इंतजार वो सारे शाहकार इस पर्दे के पीछे मौजूद आएंगे अपने बादशाह सलामत के साथ। तैयार इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन भी होगा बीमार ना तेरी किस्मत होगी। प्यारे आप लोग तो सबसे पहले अरसलान मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले, तो चूजे नहीं खेलेगी फिर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे शेयर। इनका प्यारे करीना ट्रस्ट बजिया समझ के जरा बच बच के डस गया जो तेरी डस के। अनम अपनी गेम उठा जा, देख तमाशा सामने आ जा, देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा। साइमा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार ना तेरी किस्मत होगी मार। अकील कर दे बार, पीछे पलट के देखना जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले, तो चूजे नहीं खेलेगी फिर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे शेयर। देख तमाशा इनका प्यारे करीना ट्रस्ट सब पे सारे, सोच समझ के जरा बच बच के डस गया जो तेरी डस के। ये है हमारे फाइनलिस्ट। फिनाले में एक एक करके आप लोग उधर बैठ सकते हैं। एक मरतबा फिर इन तमाम लोगों के लिए तालियां, खास तौर पर ये 5 लोग जो आज एक दूसरे से मुकाबले में आगे कौन जाएगा ये अब से थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाएगा। बादशाह सलामत आप अपनी सीट पे आइए। और हाँ जी वर्जिया क्या हाल? बहुत नर्वस हूँ।
ऑब्वियसली लोगों ने इतनी सपोर्ट दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया. आई डिड नॉट नो दैट आई डिज़र्व दिस और यहाँ मैं आ सकती हूँ. सो विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. थैंक यू सो मच एवरीबडी हु वोटेड फॉर मी एंड सपोर्टेड मी टिल हियर. थैंक यू सो मच अरसलान जी. जी दिल धड़क रहा है. धड़क रहा है, भाग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. अरसलान आज अगर आप जीत के जाते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बीवी और मेरी अम्मी दोनों को बहुत ज़्यादा होगी. एंड आई एम श्योर उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अनम हेलो. अस्सलाम वालेकुम. आप बोल पा रही हैं? हाँ, नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ और हाँ बोल पा रही. बट फैंस का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे घर से निकलने नहीं दिया. और बहुत अच्छा लगा. देयर नाउ माय फैमिली. हम लोग लड़ते थे फिर दोबारा एक हो जाते थे. अकील अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपके वो सारे दोस्त जो पीछे बैठे हैं बेघर हो चुके हैं आपसे पहले, उन सब का वोट आज ज़्यादा मेजॉरिटी आपके लिए है. थैंक यू सो मच इनका भी और जिस जिस से मुझे वोट किया. ये मेरी ऑडियंस की मोहब्बत थी, प्यार था कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ. तो थैंक यू एवरीबॉडी. आई लव यू ऑल. ओके जी साइमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. और खवातीन के वोट्स आपके हक में बहुत ज़्यादा हैं. सब कहते हैं इस घर में कोई चीती है तो साइमा. बस शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने मुझे पसंद किया. उन सब की बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे इतना सराहा. अच्छा अगर मैं आपको निकाल दूँ आज और आपसे पूछूँ कि इन चारों में से कोई एक जो आपके ख्याल में डिजर्व करता है सीजन तमाशा 3 का विनर बनने के लिए, वो कौन होगा? कोई नहीं. चले नहीं 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 मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रही. देखिए मैं चले खत्म कर देते हैं. सवाल पूछा ही नहीं मैंने. हाँ ना, क्या था? हाँ ओके जी. यहाँ जितने बेघर कंटेस्टेंट्स पीछे हमारे बैठे हैं हमारे साथी, उनमें से दो की एब्सेंस लग चुकी है अब तक. सो अब नहीं चाहते कि मज़ीद हम इंतज़ार करें. हम उन्हें देखना चाहते हैं. दो लड़कियां इसी घर के और इसी तमाशा के कंटेस्टेंट्स, ज़ोया एंड महनूर. ओ रंगी 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 कई यार
बात करें प्लीज. आई मिस्ड यू अजिया. आई मिस्ड यू मोर गर्ली. हेलो एवरीवन. हेलो. आई वाज रूटिंग फॉर बोथ ऑफ यू अकील वजीहा. थैंक यू. यू गाइस डिड अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा. हम बहुत जल्दी निकल आए. हमें भी यकीन नहीं आ रहा था हम इतनी जल्दी निकल आए, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि आप दोनों में से कोई एक जीतेगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. और अब बारी है उन पांच लोगों की यहाँ आने की और ये दिखाने की कि आपने इस पूरे अरसे में 64 डेज में क्या किया. छोटी सी झलक है. मैं दावा दूंगी सबसे पहले वजिया. प्लीज आप आइए. Honestly, मैंने बताया ये लड़के किसी के नहीं होते. हाँ. ये लड़के कहते हैं कि हम लोग लड़कियां निकाल देंगे इससे ज्यादा देर. मुझे बता हम लोग खेल खबरदार. अगर तुम्हें किसी ने आयाशी दी है तो तुम दूसरों को दोगे. फरमाइशी प्रोग्राम के लिए अभी टाइम. वो हमेशा इस तरह की अजीब हरकतें कर रही है तो हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उससे यही हरकतें चल रही है. रंगले पलंग पे बैठा मांगे. अब इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि अब वो साइमा मुझे भी साइमा नहीं लगता. हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं. प्लीज टेबल पे आ जाएं और सर्व कर दीजिए. स्वीट टॉफी. लोगों ने अभी जो मेरे अगेंस्ट वोट किया है कि मैं ना बनूं. मेरी सबर खत्म हो गई थी कल से. मेरा कोई काम नहीं है. मैं किसी को धक्का मारूं आपको देख रहे हो आप जाके क्या नहीं बचेंगे. आज तो लिटरली लाइक हद से भी ज्यादा हो गया. अगर मुझे कुछ हुआ था ना मैं नहीं छोड़ती. मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बचाएं वोट करके. तू मार भाई तू मार. और अच्छा इस वजह से नहीं कि मैं वजीर हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो. हाँ. अच्छे इस तरह हो कि आप इंसान. मैं रोटियां बनाऊंगी बस. कॉन्वर्सेशन एंड यहाँ पे. आप वहाँ खड़े हैं आप उनका साथ दे रहे हैं. I don't care. मुझे ऐसी हरकतें करनी नहीं आती ना. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं भागना सर तुम्हें भागना है. चल जूटी हर आईने में गुजरते हो सादा लेकिन फिर भी. आई एम जस्ट गोना थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस. आ गया डन. तो वजिया ऑल द बेस्ट. लेकिन कुछ भी हो सकता है. इफ नॉट यू देन हु डू यू थिंक डिजर्व्स टू बी द विनर टुनाइट. इट कुड बी एनीवन. सबने बहुत अच्छा खेला है. सब अपनी अपनी जगह पे. आज दानिया ना ना ना. ये चार लोग जो आगे बैठे हैं इनमें से कोई एक नाम. मैं दो नाम लूंगी. नहीं नाम एक लेना है कि मैं नहीं तो वो सही. नाम एक लेना है. सलाम तुम्हारा नाम लूं या नहीं लूं. अभी हम लड़के हैं. इट कुड बी अकील. अकील. थैंक यू वजिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए. और अब अरसलान इन सारे दिनों में आपने जो जो कुछ किया है सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं. आ जाइए.
तमाशा। ब्रो क्या हो गया? भाभी यार। ओए भाभी। अरसलान। यार हम सब टेंशन हो ही रहे। यार उसने कहा था ना वो आएगी, मैं आ गई। साहिमा जी ने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी। इनके खिलाफ यहाँ तो कोई एक्शन नहीं, या मुझे वजारत से हटा। जो फ्लॉप होने से डरता है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नोमी भाई? आलू मटर पकाए हुए ने बकवास का लव्यू किया। मेरी फीलिंग्स से मैंने इज्जत से बात कर रहा हूँ ना, तो इज्जत से बात करो। इंसानों की तरह सवाल पूछा जाए ना तो इंसानों की तरह जवाब दिया करे। तुम लोगों के पास कोई बात नहीं होती करने के लिए, तो तुम्हारे पास यही आर्गुमेंट है। फीलिंग्स एट 163 अदर कंट्रीज। मेरे घर वालों ने भी कहा था इन्ना जो रह गए हैं तो एक हफ्ता और रह जाने। थैंक यू तमाशा टीम फॉर ऑफरिंग मी दिस चांस टू बी दिस पर्सन। थैंक यू। आवाजें लग रही हैं विनर आप हैं। मैं आज यहां तक पहुंच के आई कंसीडर माय सेल्फ द विनर, तो कोई बात नहीं। जो भी ऑल द बेस्ट अरसलान। थैंक यू। हर बंदे के निकलने की वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हुआ और दानिया की फैमिली को ये प्रॉब्लम हुआ क्यों वापस आ गई। इनके जो हस्बैंड है वो हर चैनल पे फोन करके ये कह रहा है यार इतने कोई रियलिटी शो है तो मैं उधर भेज देना। माही बलोच ने जो पहला काम बाहर निकल के किया है एस एस वर्ड के सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। हाँ जी अनम, तैयार हैं आप? बिल्कुल ऑलवेज आइए। वैसे तो लोगों ने आपको देखा है 10 मिनट में तैयार होने वाली तमाशा सीजन 3 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके मर गया तेरी जीत में है। हां जी अब किस पे ना कर। हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मी अनम पुनी। इतना तंग करते हैं मुझे सब घर वालों। सुन लो इस दाल का नाम है वही दाल, वाइश दाल, वाइश। तुम क्या साहब की खाल पहन के फायदा उठा रहे हो? गॉड 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 गॉड। एक तो होगा अपने घर में वैम्पायर डायरीज वाला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम तनवीर है और मैं आप मुझे ड्रामों में देखते होंगे जिनको नहीं पता। अच्छी औरतें चुप रहती है, अच्छे मर्द कैसे होते हैं? उबाल आएगा तो चाय बनेगी ना। दोनों मेरा हाथ पकड़े। असल में तो फायदा आप ही खा रहे। कौन? मैं बोलती हूँ तो कहते हैं हमने कब मना किया है। अच्छा खेल लेंगे भी तो क्या? असला बनता है। कोड़ी बोले पापा। आहिस्ता आहिस्ता, मैं पापा की परी, मैं काम चोर नहीं हूँ। मानी का जब तक नाम ना लूँ मुझे मजा नहीं आता। मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा कैच। एवरीवन ट्रोल्स इन दिस हाउस। नहीं नहीं कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आपको लगता है आप अकेले काम कर रहे? मैं यार मैंने क्या कहा है? आई वॉन्ट साइलेंस। इतना अनग्रेटफुल नहीं। मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। सिंपल है। अच्छा जाओ मेरा सिर ना काटो। क्यों मुझे रोने दो प्लीज। और हाँ मैं रोती हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। आप लोग सारे खानदानी पदाइशी चोर हैं। हाँ मैं फेक तो बिल्कुल नहीं हूँ, सॉरी। आई एम नॉट चापलूस। थैंक यू एवरीवन हु वॉच इट फॉर मी। आप क्या कहेंगी अगर आप आज नहीं यहाँ से जीतती तो किसको जीतना चाहिए? मेरे दो दोस्त हैं बैठे हैं अकील और साहिमा। बहुत मुश्किल है दोनों में से एक को चूज करना। सो एनी ऑफ देम मेरे लिए खुशी होगी। तो एक नाम लो ना भाई। एक नहीं आया आ रहा, दो ही मेरे दोस्त। सेफ खेलती हूँ हमेशा। चलें थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी अकील आइए। ओ हो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अकील है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। यार मैं बोर हो रही हूँ यार, मॉनिटर करें ना। हमने इतनी डेडिकेशन से काम किया, इनको लगा ये दो ही संभाल लेंगे सर। एक दफा फिल्म में इसको लिया, जब डायरेक्टर ने बड़ी स्क्रीन पे देखी ना हीरोइन चेंज कर दी।
छोटू हूँ तो बड़ा भी हो जाऊंगा, फिलहाल छोटे को तो संभालो। फिर सारे तुम्हारी क्यों सुनेंगे, मैं भी कल को कहूंगा नहीं कर रहा, मैं ये भी कहेगा वो भी कहेगा, बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, फिर तुम्हारी और इसकी लड़ाई हो जाएगी। कभी हारने वाले ने कहा है कि तुम ठीक खेल रहे थे? मेरी जिंदगी में हमेशा कोशिश रही है कि मैं कभी भी कोई काम करूं वो पूरे दिल से करूं। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अब मैंने डाला आप बड़े प्यार से कहें, आप आगे से उठा के छीन के लेके जा रही वहां। डरो दिन से जिस दिन मैं वजीर बन गया। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्से में सोच के बोलता हूँ। यार चुप करके काम किया यार, आप सब उधर चले जाएं, हम टीम में काम कर रहे हैं ना, हर बंदा आगे प्रेशर पर डाल रहा है। कौन सा तुम लोगों ने एहसास किया, क्या एहसास किया? आप भी टूस के बैठ गए, आराम से बात करें। जब भी तुम्हें काम का कहो तुम खामोशी से इधर उधर निकल जाती हो। आप इतने दिन से जो स्टोरियां चला रहे हैं आज आप निकले, निकालें बाहर आप। एज वजीर अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। यहाँ ना रहना मुश्किल है यार, आसान नहीं है। माशाल्लाह सीजन 3 विनर, ये टाइटल इतना बड़ा है कि ये सारी जिंदगी के लिए आपके पास है। Not you. तो फिर आपकी मर्जी क्या, कहाँ वोट करेंगे आप इन चारों में से? मैं चाहता हूँ अगर मैं नहीं जीतता तो मेरा दोस्त अरसलान जीते। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब आ गया वक्त साइमा बलोच का, आइए इन सब दिनों में जो जो हुआ उसकी छोटी सी क्लिपिंग क्विक रिकॉल आपके लिए। आने वाला चाहिए मुझे बेड, आसपास एनर्जीज नहीं चाहिए। देखिए आस्तीन का सांप नहीं पाल सकता। निकला ना इधर एक सेकंड में नहीं खड़ी हो पाओगी। घूमना फ्रॉम यूके से ये सीख के आई आप चोरी करके खाना खाना, ये सही नहीं है। जो उसने किया वो सही है। तुम लोगों को दूसरों का गलत नहीं नजर आता, साहिबा बलोच कुछ भी करे तो वो गलत है। ये लोग तो हैं फारिक लोग सारे। आंटी मुझे भी सिखाओ तमीज। आंटी टीचर, ये टीचर नहीं बनो यहाँ पे, घर नहीं है तुम्हारा। मैं वैसे भी इस घर से जाना चाहती हूँ, जेल तो छोड़ो, मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है, तुम लोगों के साथ अपना एक मिनट भी शेयर नहीं करना। मैं पागल वागल तो नहीं है ये? देखे आप ऐसा फाइनल वीक के लिए आप क्वालिफाई कर गए। खाना तो मुझे दवाई खानी है। इडियट्स। अच्छा जुबान कंट्रोल से। तो आप भी अपने जुबान को काबू करें। आपने इडियट बोला है। मैं कितना टॉर्चर सहूं और इन सारे दिनों में आपका दोस्तियां भी बहुत क्लोज हो जाती हैं। आप इन सारे कंटेस्टेंट, ये 18 लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें सबसे करीब आप किससे हैं? किसी से नहीं, किसी ने कभी मुझे दोस्त समझा ही नहीं, मुझे उस नजर से देखा ही नहीं, ना ही देखने की कोशिश की पहले दिन से लेकर। समझा? Yes, I tried so many times. तो आज आपका वोट कहाँ जाएगा इन चारों में से? अनब। ऑल द बेस्ट। अभी कुछ ही लम्हों में
पता चल जाएगा कि इन पांचों में से कौन घर जा रहा है और कौन ट्रॉफी लेकर जा रहा है। शो को बढ़ाएंगे आगे और बुलाएंगे आप सबकी भरपूर तालियों में मानी लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। हाय सलाम। आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाशा पीपल मेक सम नॉइज। आज मैं आप सबकी इमेजिनेशन लेके आया हूँ कि इमेजिनेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने भाई का नाम लूंगा। तालियां मिस्टर मैट्रिक्स अब्दुल्ला भाई। भाई अब्दुल्ला भाई की इमेजिनेशन से पहले इनकी एलिमिनेशन हो गई। अभी इनकी वाइफ जो इनको छोड़ के गई थी वो लाहौर नहीं थी पहुंची, ये पहले पहुंच गया था। हर बंदे के निकलने की वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हुआ और दानिया की फैमिली को ये प्रॉब्लम हुआ क्यों वापस आ गई। पड़ोसी भी टेंशन में थे अब हम क्या करें। उन्होंने अपनी दीवारें 14-14 इंच और चौड़ी करा दी। किसने हमारी बातें सुननी है, यहाँ पे तो जेल भी नहीं है, इसको कहाँ डालेंगे। और माशाल्लाह इनके जो हस्बैंड है बड़ा फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, वो हर चैनल पे फोन करके ये कह रहा है यार इतने कोई रियलिटी शो है तो मैं उधर भेज देना। और अब जो अगला मैं ऐसा करूंगा आपको पता लग जाएगा मैं किसी की बात कर रहा हूँ। मेरा हुमना 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 के वालद साहब भी इधर आए हैं, वालदा भी आई हैं, उनको ये डर है कि ये सुगड़ ना हो जाए, इनको काली लेके वापस जा रहे हैं, इसलिए वाकई काम शुरू कर देना है माशाल्लाह। वहाँ पे जाके क्या काम करोगे बेटे, ऑयल की तो तुम्हारी चल रही है। जबरदस्त आई प्यारी, बहुत प्यारी लग रही हो। इसको मैं घर में कहता था एंग्री बर्ड, अब जब से इसको पता लगा कि इसके फैंस इसके बारे में क्या सोच रहे हैं अब ये ठंडी बर्ड हो गई। एनी उड़ नहीं छोड़ देता है। और माशाल्लाह इससे वजीहा ने जिस बंदे से वादा किया था कि जाहिर है मुझे नहीं लगता भाई आज दोबारा अपना शो कंटिन्यू करेगा, इसका दुबई का वीजा यही लगवा रही है। और ये माशाल्लाह जहेज में जा रहा है और मजे की बात है हैंड लगेज में जाएगा। जुनेद का ऐसी कंटिन्यूटी, आप सबको मजा आएगा बात सुन के। जुनेद आ रहा था, आ रहा था, जा रहा था, कद तो जाहिर है मैं नहीं उसका बना सकता। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा बाहर आके अपने फैंस से भी ये पूछ रहा है क्या हुआ है। क्या हुआ है? एक रेस्टोरेंट खाने गया है, किसी और के रेस्टोरेंट में निकलने के बाद खाने पे गया, किचन में जाके कहता मैंने बर्तन नहीं धोने भाई, भाई मेरे कमर में गया, इशू चल रहा है, क्या हुआ है? देखो भाई ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है, तुम हीरो, टीआरपी तुम्हारी हुमना ले गई, अब ट्रॉफी पता नहीं कौन लेके जाएगा। और द वन एंड ओनली मेरी जान छोटा डॉन माही बलोच। लो जी माही बलोच ने जो पहला काम बाहर निकल के किया है, एस एस वर्ड के सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है। हाँ वो शहरी से भी नहीं कर रही। शहरी ने कहा ये तुम्हारा ओपिनियन है, चलो फेयर इनफ ठीक है। क्या डर डाल के गई हो तुम शहजादी। वन एंड ओनली द सहमत बलोच। मुझे बड़े शैतान का फोन आया, जो इसके पास आइडियाज है वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहां से लेके आई हो? लेकिन जिससे मुझे जाते ही मोहब्बत हो गई पहले दिन, वो मेरी जान का टोटा मेरा अरसलान, और अभी तक है और सारी जिंदगी इंशाल्लाह रहेगी। एक दिन अरसलान अपनी बीवी हीरा को याद कर रहा है और इतनी उस बेचारे के मुंह पे गुर्बत भूख, इतना गुड लुकिंग गरीब मैंने पहली दफा देखा। मेरा नुमान, नुमान भाई अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए खेला है, आपने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया है ना। और माशाल्लाह इसकी बेटियां इतनी तंग आ गई थी, कहती मामा आज फिर बादशाह सलामत का गेम खराब किया, मैंने फिर अकील को वोट करना है। लेकिन ये चीज़ मुकम्मल नहीं है, और जिसने मुझे बड़ा भाई पहले दिन से कहा, मैं बिल्कुल अनम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी जान मेरे मलक की बात कर रहा हूँ। मलक इत्थे रख, मलक तू कमाल खेला है माशाल्लाह, और तूने तू जितनी अपनी बीमारियां लेके आया था तूने वहीं पे छोड़ दी, सबको बीमार करके तू ठीक होके बाहर निकल रहा है। लेकिन ये शो इनकम्प्लीट है,
जब तक मैं अपनी जान, हमारे बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ हम सब मिलके, ओ सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, ओ सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, असी तेरे हो गए प्यार विच खो गए, ओ सब तो सोनिया। तालियां बादशाह सलामत के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनम, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूँ, चुप चुप सुनने दो, चलो रहने दो, रहने दे, इन्होंने काट ही देना। बट माई आईज रिएक्टेड, माई हार्ट वॉज अफेक्टेड, एवरीबडी वॉज रिजेक्टेड, यू वर सिलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस वक्त कुछ डेटा हमारे पास है जो आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये 18 कंटेस्टेंट जब 64 डेज पहले हमारे पास आए थे तो इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग क्या थी, और आज ये दिन गुजरने के बाद हम दिखाना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों की फॉलोइंग में कितना फर्क पड़ा है। तो तमाशा न सिर्फ टीवी स्क्रीन के लिए, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नंबर वन रहा है। आप सबके लिए बहुत सारी तालियां। मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ वो डिजिटल प्रतीक हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है बहन भाइयों की। तमाशा को उन्होंने बहुत फॉलो किया, हर हर कंटेस्टेंट के बारे में बड़ा वाइज, बड़ा सही ओपिनियन दिया। तो आज आप सबकी बहुत सारी तालियों में मोमेंट्स एंड ईमान। Assalamualaikum everyone, my name is Momin Ali Munshi. और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। और हम लेकर आए हैं तमाशा के तमाशे, तमाशा के ग्रैंड फिनाले में। यार अभी हम चलते हुए आ रहे थे, कुछ कार्ड मुझे मिले जमीन पे, विक्टिम कार्ड, सिंपथी कार्ड, औरत कार्ड, जेंडर कार्ड, ये तो अरसलान का लगता है, फैमिली कार्ड, बेटी कार्ड, वुमेन हेल्थ कार्ड तो भूल ही गए। आह, मेरी कमर में दर्द हो रही है। ईमान ये बातें बाद में करना, टाइम जाया मत करें। एयरवाई ने मुझे खास तौर पर लाहौर से फ्लाई किया, cuz they were like मोमिन आप इतने पतले, इतने फिट, इतने हीरो जैसे लगते हैं, आप नहीं आएंगे तो फिनाले कैसा होगा। माना सेल्फ लव एग्जिस्ट करते हैं, बट इतना डिल्यूजनल, अपने आप को लेके कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। दानिया आप बताना चाहेंगी? नहीं यार, नहीं दानिया तो ऑनेस्टली इस घर की सबसे पॉजिटिव, सबसे इंस्पायरिंग, सबको इकट्ठे रखती जोड़ने वाली लड़की है ना। बट यार जोक्स अपार्ट, आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो लेकिन कौन बैठा है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला एजाज द मॉडल। अच्छा हाँ, आप भी तमाशा में आए थे, सॉरी आप आई थिंक 2-3 दिन में निकल गए, मैंने पहचाना नहीं। कमर ठीक है आपकी? ओ हुमना भी बैठी हुई है, हुमना फ्रॉम यूके। हुमना को कैसा लग रहा है सब सेलिब्रिटीज के बीच में बैठ के? इतनी जुरत आपकी ईमान, क्यों आपने एक भी फिल्म किया? 4 से कम किसने फिल्में नहीं की, और पता नहीं कौन कहता कि इस मुल्क में फिल्में नहीं बनती। सभी सुपरस्टार्स यहाँ जो बैठे हैं, फिल्में क्या खाक बनेंगी? भाई मैंने तो अकील से सीखे, मैं अपनी फिल्म खुद ही बना लूंगी अपने पैसे लगा के। Wait a minute, ईमान आंटी आप अपनी फिल्म खुद बनाएंगी? मोमिन मैं आपसे छोटी हूँ। तो क्या हुआ, साइमा से उम्र में बहुत लोग छोटे हैं, वो भी उन्हें आंटी आंटी कहती है ना। भाई मोमिन आप मुझे सप्रेस करें, मेरी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करें, जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गर्ल। अनम कहाँ से आ गई? और साथ साथ आप मुझसे रोस्ट करा रहे हैं, जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, वो अपने ससुराल जाएंगे तो उनको कितने ताने पड़ेंगे। ईमान अभी आपकी अपनी शादी भी नहीं हुई। तो नमान भी तो अभी से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। भाई प्लानिंग की बात करें तो मानी भाई सच सच बताएं कि नहीं कुड़िया तुसी प्रॉमिस किया यूके का वीजा, अनम का तो आई थिंक फैमिली वीजा होगा। वो मैं मानी है ना, मैं जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स तो वजीहा और अकील नहीं। इस सबसे बेस्ट जोड़ी तो है हुमना और जुनैद भाई की। मोमेंट हमने ऑलमोस्ट सब लोगों की बात कर ली, बट अयाज की कोई बात नहीं हुई। तो अयाज ने तमाशा में किया क्या है मुंह बनाने के अलावा? मैंने बड़ा खाना खाया पिछले 2 दिन में, लाहौर जाके बड़ी बिस्ती करेगा मेरे ट्रेनर मेरी। मोमेंट आप 2 साल से जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ना आप पतले हुए ना आपको कोई सुकून मिला है। तो मेरा ट्रेनर कौन है? शेरी है ना साइमा?
यार मैंने साइमा का नाम दो दफा ले लिया है, खुद ही बच, यार दो दफा साइमा का नाम ले लिया, साइमा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, हर तरह के शैतान को जानती है, सस्ता शैतान, चीटना शैतान, दो नंबर शैतान, मोहल्ले का शैतान, गली का शैतान, पता नहीं मेरा क्या होगा भाई। कुछ सवालों का सिलसिला करते हैं यहाँ पे, सवाल अभी पांच हमारे फाइनलिस्ट से, उम्मीद कर तो आप लोग ऑनेस्ट सच्चे जवाब देंगे। पहला सवाल साइमा आपसे, आपके मुताबिक इस घर में सबसे बड़ा झूठा कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है। इतनी डिप्लोमेसी, अकील। अच्छा भैया आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा, घर में सबसे सीधा कौन है? मासूम। मैं। अच्छा अकील आपसे मेरा सवाल है कि मानी भाई की जो फीलिंग्स थी अनम को लेके, वो असली थी कि कैमरे के लिए थी? जी असली थी, असली थी, असली। ओके अरसलान आपके मुताबिक कौन इस गेम में किसी का भी सका नहीं था? एक शक्ल आ रही है मेरे सामने। फिर ना मजाक कर रहा हूँ, साइमा। साइमा ओके। अच्छा अनम आपका सवाल ये, किसके साथ इस घर में रहना सबसे मुश्किल था? ये बैठा सामने मेरे, अकील। ओके सुबह ही लड़े। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। मैं जिनके नाम लूंगा वो दो लोग जो टॉप थ्री में नहीं रहेंगे, दो नाम है तो आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। माशा सीजन थ्री का ग्रैंड फिनाले तेजी से अपने अख्तिताम को बढ़ता हुआ, जहां एक डिसीजन होना है और डिसीजन का हम सबको और ख़ास तौर पर ये पांच जो सामने बैठे हैं इनको बहुत इंतज़ार। लेकिन हमने पूछा अवाम से, तो सोशल मीडिया की अवाम ने जिसको सबसे ज़्यादा लिबर्टी हासिल है वो जो कुछ कहना चाहती है, जो कुछ सोचती है, बिला झिझक बयान करती है। उन तमाम लोगों ने हमारे इन कंटेस्टेंट्स को जो एक साथ रहे 64 डेज, उनको कुछ अलकाबात, कुछ टैग्स किए हैं, वो हम चाहते हैं कि इस वक्त आपसे शेयर करें। सो पहला अवार्ड या पहला टाइटल आप ये कह लीजिए, रोटू ऑफ द हाउस ऑफ तमाशा, आपके ख्याल में कौन होगा? हाँ मैं भी हो सकती हूँ अनम, चलें ये आपका ख्याल है, लेकिन अवाम का ख्याल सबसे बेहतरीन है। देखते हैं कि अवाम ने किसको रोटू ऑफ द हाउस कहा है। मैंने तो एक लफ्ज नहीं बोला, मैं तो बाथरूम में खड़ी हुई थी, रोते हुए गई। क्या हो गया? आप बिल्कुल ठीक थी। तो मैं चाहूंगी आपके बादशाह सलामत आप प्लीज आए और अपने हाथों से रोटो ऑफ द हाउस का अवार्ड दें। पलट के देखी ना यार, जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले, डोंट यू डेयर, नहीं खेलेंगे ये फिर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे शेयर, देख तमाशा इनका प्यार। रोटो अवार्ड, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अगले टैग की जानिब, एंटरटेनर ऑफ द हाउस। आप देखते हैं अवाम ने क्या प्रूव किया है। मुझे पता है तुम्हें मेंढक का पर्दा चाहिए होता है। मानी जी अब आप जितनी तैयार हो चुकी है, पहले तो आप मॉडलिंग करें। कह रही है ये बड़ा खुर्रम खान बन रहा है। मुझे नहीं बताओ भाई क्या बात है। इस हाकिम की जुल्म से बेहतर है मैं जेल में रहूं। मेरे भी बच्चे कहीं ना कहीं तो होंगे। वजीर को मनाना मेरे दाएं हाथ का गेम है ब्रो। 164 कंट्रीज में सोच रहा हूँ मैं कैसे पूरा करूँ। नीचे दे के पानी भर रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हमें कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। दूल्हा पूछता लड़की इंस्टाग्राम चला सकती है, तो ये आगे से बोलती है आप चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊँ। पारो मुझे मत मारो, पारो मोनी जी कुछ करे ना। वेलकम टू माय जेल, प्लीज प्लीज ये ले। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी एंटरटेनमेंट मिलती रहे तो प्लीज प्लीज आई अकील आज के लिए। तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार, ना तेरी किस्मत हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू आफ्टर ऑल।
अच्छा जी, अगला टैग जो आवाम ने अप्रूव किया है वो है लड़ाका। मैं इस घर से वो आखिरी वो डबल चेहरे वाला अवार्ड लेके ही निकलूंगी। जेल आप मुझे जब भेजेंगे, जब मैं आपको किसी मैं आपको जेल आप आ रही हैं, पिटेगी मुझे आज, ये पिटेगी मुझे। आपके टुच्चे लाइन की जरूरत नहीं है। क्या नॉट कम इन टू माई पर्सनल कैरेक्टर। ये अपने आप को सिर्फ बैठ के यहाँ पे हीरो बनाने आया है। लाइन मत डारे, व्हाट इज दिस फटा फटा। अपना दोस्ती यारी जलन माई फुट। अगला टैग बड़ा खतरनाक, हर खानदान में एक होती है। कौन? बहुत सारी चीज़ें ना कोटे राशन जाते हैं, चीनी मानो रवजिया नाश्ते पे थे ना नमस्कार। सिर्फ लुक से कुछ नहीं हो जाता, प्यार होके जेल करके कपड़े पहन के नहीं, मास्क तो कोई भी लगा सकता है, अंदर से क्या हो ये बताओ। जहाँ मुझे पूरी बात नहीं पता, वो मेरा कॉमेंट पूरा आधा बनता है। माही का प्रॉब्लम है, बेगानी शादी में दुल्हन। इट्स ओके, अभी हमने शुरू करना नहीं। ये ले यार, लेने की बात नहीं है, लेने की बात नहीं, मूड नहीं खराब क्या करो पी हर दफा। पानी ले आओ। बहुत मायूसी हुई है अरसलान खान से मिलकर। He is disrespectful औरतों के मुंह के आगे। I just don't like him. ओके जी, तो अगला टैग है, इन 18 में से कौन है सबसे बड़ा खिलाड़ी। कोई भी गेम है ना, उसमें भी पहले मेंटल वो टेक्निक है। स्टार्ट 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 गाइस। पर ये एक टाइम पे जब इतना तेज घूमता है ब्लर हो जाता है। एक दो तीन चार पांच। अभी मजा आएगा। दो हेलमेट टूटे मेरे कानों में चू चू हुआ है। पकड़ ली, खुल गया खुल गया। भाई मुझे बड़ा वाला चाहिए। आवाम ने आपको इस घर का सबसे बड़ा एंटरटेनर, इस घर का सबसे बड़ा खिलाड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइटल है हमारा, इस घर में सबसे बड़ा काम चोर।
मैंने कुकिंग नहीं करी। कोई बात नहीं। मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर लूंगी, मैं कुकिंग नहीं करूंगी। I understand, but मैं नहीं कर सकती किचन का काम। मैं कैसे बर्तन धोऊं जब मेरे हाथों में वो हो जाता है, मेरी कमर में दर्द होता है और मैंने कभी धोई नहीं है। आप मुझे कुछ भी दे दें पर मुझे प्लीज बर्तन की ड्यूटी मत दें। सिर्फ मैं नहीं करूंगी, लॉकर रूम सिर्फ मैं यूज करती हूँ, तो सिर्फ फिर मैं सफाई क्यों करूँ? तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार, ना तेरी किस्मत होगी मार, खेल खेल में करने बार। अगला और लास्ट, आवाम की राय का टैग, कौन रहा आप तमाम लोगों में से बेस्ट वजीर? आया तमाशा मचाने तूफान, मिलो मेरे दोस्त, तो है आ गया अरसलान। 15 लोगों की एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार मेरे शोल्डर पड़ी है। लेकिन जब भी आप किसी ओहदे पे आते हो, एक स्पीच जरूरी होती है। खेल का तरीका और उसूल वही रहेंगे जो पहले दो राउंड में थे। तुमने जो किया है मैंने देखा। पूरे हफ्ते मत दो या दो दिन मत दो, इसी भी हो गया। तुम चाय डाल दो यार उसको, अगर उठाने में मसला है तो मैं ले आऊंगा। वो जेल में है, कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी है। प्लीज आप मुझे प्लीज कोई तंग ना करें, मुझे फैसला सुनाने दें। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन है ये, मेरा पहला डिसीजन है ना। इत्तेहाद कायम करते हुए इस वजीर ने अपने आखिरी दिन में पूरे घर को जेल में डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काश्ता के लिए, तालियां प्लीज। दिल की धड़कनें कैसी चल रही हैं? बहुत तेज बात है सामने। अब आप आए, आपने जैसे ही बात करना शुरू किया वापस तेज हो गई। सायरन बजता तेज हो जाती है। सही हो गई थी। अभी मैं दो लोगों को इन पांच लोगों में से, इन पांच फाइनलिस्ट में से शुक्रिया के साथ खुदाफिस करूंगा। अब वो दो लोग कौन हो सकते हैं इस ग्रैंड फिनाले में जिनको कम वोट मिले? पांचों में से कम मिले हैं और दोनों को बराबर ही वोट मिले हैं, तो वो दो लोग कौन हैं? वजिया, अरसलान, अनम, अकील या सायमा? मैं जिनके नाम लूंगा वो दो लोग जो टॉप थ्री में नहीं रहेंगे वो दो नाम लेने से पहले मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं कि आप पांचों मेरे लिए विनर हैं। दो नाम है अनम और सायमा। आप दोनों का सफर बस यही करता, आप दोनों टॉप थ्री का हिस्सा नहीं रहे। मैं साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि अनम आप जितना खेली कमाल खेली, सायमा आपके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर तमाशा किसी ने इस घर में लगाया तो वो सायमा थी। बहुत अच्छा खेली आप, बट आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता। अब बचे हैं तीन लोग, वजिया, अकील और अरसलान। इनमें से कौन आगे जाएगा? और तीसरे नंबर पे नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद। आप तीन में से एक वो नाम लेने लगा हूं जिसने ट्रॉफी जीती है। खुशामदीद आप तमाम लोगों को, एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं पैंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगोटेल। और जनाब अब जबकि
सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेस्टेंट, उनमें से किसी एक के लिए आज खुशनसीब तरीन दिन, बहुत जल्द होने वाला है वो फैसला। दिल की धड़कनें आप तमाम लोगों की भी तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले इन दिल की धड़कनों को आप यहीं थामें, क्योंकि इन्हीं कंटेस्टेंट में से एक जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आज हम सब उनकी इस वक्त परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में ईमान। अब इस ग्रैंड फिनाले में एक बार फिर वो वक्त है जो बहुत मुश्किल है इन तीनों में से किसी एक को निकालने का। तो मैं बुलाना चाहूँगी बादशाह सलामत को कि आप आएं और अपना डिसीजन सुनाएं। आप तीन में से एक आउट हो जाएगा तमाशा सीजन 3 की विनर की रेस से। वो नाम है वजिया। वेल प्लेड वजिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। आई एम हैप्पी। वजिया जब आप घर में आईं तो बड़े स्टाइल के साथ आईं। आप घर में भी रहीं बड़े स्टाइल के साथ और उतनी स्टाइल से मैंने आपका नाम लिया है अभी। वेल प्लेड वजिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बादशाह सलामत आप अपनी चेयर पे बैठेंगे और अब से कुछ देर बाद अकील और अरसलान, आप दोनों में से आज की रात कौन खुशनसीब है जो तमाशा सीजन 3 का विनर होगा, हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले
इस वक्त एक छोटी सी परफॉर्मेंस आप तमाम लोगों के लिए, अली सिकंदर, मानी और उमर आलम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाशा का फिनाले हो और उमर आलम ना हो? सीजन वन का फिनाले था, मैं यही खड़ा था। सीजन टू का फिनाले, मैं यही खड़ा था। सीजन थ्री का फिनाले, आज मैं यहाँ खड़े होकर अपने आप को एक किंग फील कर रहा हूँ। वाह भाई, क्योंकि आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। ए, सब मिलके आई फील लाइक अ किंग। किस्मत मेरी बोली, अब देख तमाशा, भटका तू दर बदर। अब संभल जरा सा पगले। अली सिकंदर, उमर आलम, आप भी यही हो? अरे तुम तो यही ही हो। सीजन वन गुजर गया, ये यही। सीजन टू गुजर गया, ये यही। सीजन थ्री भी ऑलमोस्ट गुजर ही गया, तू अभी तक यही भटक रहा है पगले। आप तो बड़ा हॉलीवुड में हीरो बन गए हो ना माशाल्लाह। कभी नॉक नॉक, कभी जीएमपी, फिर तमाशा थ्री में आ गए अपना गाना लेके। अच्छा मेरी बात सुनो यार, अगर ऐसे ही हमने जोड़ी बना ली ना, हाँ, तो सीजन 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ऐसे ही हमारी जोड़ी चलती रहेगी। सॉरी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए दूसरे सीजन के मानी लियाकत और मेरा माशाल्लाह पहले सीजन का अकील इधर बैठा है। आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, आप यूके से हो? हाँ जी। एलिमिनेट हो चुके हो? हाँ जी। वापस क्यों नहीं गए? यार मेरे कुछ अभी मसले चल रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, इस तरह की बातें ना करो, हमारे बादशाह सलामत। तालियां बादशाह के लिए। अरे ये तो सीजन वन के बादशाह है। अबे चुप कर, ये सीजन टू के बादशाह है। यार सीजन थ्री के भी, यानी ये भी। खवातीनो हजरात, ये वो तमाम आफ्टर इफेक्ट्स थे जो तमाशा के हम सब की, हम तीनों की पर्सनालिटीज पे आए। अब हम बात करते हैं, पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए फॉर आदा। माशाल्लाह आगा अब सारे टास्क घर में जाके परफॉर्म कर रहा है। हाँ। आगा ने अपने सारे रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट किए कि वो बारी बारी आकर मुझसे लड़े, इस बार मैं सही रिएक्शन दूंगा। लेकिन मसला है टीआरपी इसको वहां पे भी नहीं मिल रही। ओहो, इसका अपना ड्राइवर इसको वोट नहीं दे रहा। आगा के पास ड्राइवर है? नहीं एक्चुअली सॉरी मैंने गलत कहा, ये ड्राइवर के पास नौकरी कर रहा है क्योंकि अभी तक इसको लीड जॉब नहीं मिली। अरे यार मेरे भाई को जॉब वॉब की जरूरत नहीं है। हाँ। वो अच्छा एक्टर है। अरे आगा तलाला की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, लेकिन बात यहाँ पे मैं करूंगा द वन एंड ओनली माय ब्यूटी क्वीन वजीहा। वजीहा की बात कोई नहीं करेगा। अबे वो वजीहा है, मरिया नहीं है। लगता है इसकी एबीसी खराब है, इसको WBM नजर आता है। मुझे लगता है कि ये वजीहा को ना मरिया समझ के वोट करता रहा और टॉप थ्री तक पहुंचा दिया। हेलो हेलो, गाड़ी के सारे पैसे गए। एक मिनट, हेलो हेलो, कौन, किसकी कॉल है? हेलो, किसकी कॉल है? कोई सम्मो सम्मो। अरे सम्मो की कॉल इन्हें कैसे आ सकती है? सम्मो जब से घर से निकला है वो किसी से बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा मैं जिससे बात करता हूँ वो उल्टा मतलब निकल आता है। एक मिनट यार, एक मिनट, क्या एक मिनट सुन तो लो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कहता है सीनियर है, मेरा जिक्र नहीं हुआ अब तक। ये क्या बात हुई बोला? सीनियोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो नुमान हबीब टॉप पे है। पहले उनकी बात करो। तालियां नुमान भाई, मेरा हीरो। नुमान भाई के घर उस दिन हम गए, उन्होंने खाना शाना खिलाया माशाल्लाह, और उन्होंने कहा मानी भाई आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा वाइल्ड कार्ड में आऊँ ना तो मैं बादशाह सलामत के 2-4 टास्क और खराब करके जाऊँ। यार मेरी बात सुने, आपको सूट करती है ये बात? टास्क कंटेंट, जितना कंटेंट आपने खराब कराया ना, जहाँ दो लोग लड़ने लगे, आवाम में थोड़ी सी खलबली मची, वहाँ मम्मी आ गई, आओ मेरी मामता की चाहो में, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊ, मेरा बच्चा इधर आओ, शर्म करो। नेकी का क्या दौर ही नहीं है, इनको खिलाया, इनको पिलाया, तोहफे दिए। अम्मी ओए मानी, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि मानी भाई की बात हो और अनम की बात ना हो? होगी होगी भाई, बात तो होगी, होगी भी होगी, नहीं होगी बात, बात होगी, बात होगी, नहीं होगी, होगी होगी चुप।
अंकल आंटी बदतमीज हैं बच्चे नादान है, माफ कर दें इनको। और देख माशाल्लाह देखें आज कितनी प्यारी लग रही है। आपने नहीं छेड़ना, अगर उसने बात शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, फिनाले खत्म हो जाएगा, बातें खत्म नहीं होंगी। खामोश रहना, तेरी मेहरबानी, तू खामोश रही। यार आप लोग मिस कर रहे हैं हमारा हीरो अरसलान खान। किसकी अरसलान, किसकी जान? मम्मी की जान। 1 2 3 भाई अरसलान को जो भी अब आफ्टर इफेक्ट होने वाले, उसमें पहला इफेक्ट तो ये होगा कि जब वो सुबह सोकर उठेगा तो वो हीरा को नहीं अकील को आवाजें दे रहा होगा, ओए मेरा मीठा पराठा बनाई ब्रो, आज किस कलर के कपड़े पहनने हैं दोनों ने। एक मिनट, मेरे से ज्यादा उसको कोई नहीं जानता, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा हीरा जानी क्या हम अकील को गोद ले 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 चुका हूँ, ले लिया है, ले लिया है। ओके भाई, सो अगर बात हो और सलान की, हाँ, तो अकील कैसे पीछे रह तो सकता है? अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आप लोग मेरी बात करना चाह रहे हैं? एक मिनट मुझे तो कॉपी करता है। एक मिनट, इन्हें कैसे बर्दाश्त करते रहे हो, टिकते ही नहीं। अब समझ नहीं आ रही रियल कौन सा है और चैना का कौन सा। मैं रियल हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ, अकील जो है ना वो सारे इफेक्ट साथ लेके गया था घर में और छोड़ा है, उसकी वजह से बाकी चीजें खराब हो गई हुई है। अब तुम कुछ की बात ना कर देना जिसका मैं सोच रहा हूँ। नहीं बात करूंगा तो मैं ही करूंगा यार, अपनी जान प्यारी है, आप उसी के सीजन में थे। अल्लाह माफ कर भाई, मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी जिसके लिए ऐसी कोई वैक्सीन ही नहीं बनी जो उसे इफेक्ट कर सके। जी हाँ, द वन एंड ओनली साइमा बलोच। अगर साइमा को कोई इफेक्ट कर सकता है तो वो खुद सिर्फ साइमा बलोच। तुम लोगों को क्या पता वो जो सुबह मेडिटेशन करती थी, जिस गार्डन में करती थी, वहां पे साइमा को जिस मच्छर ने काटा है उसको डेंगू पॉजिटिव हो गया है। कब वो मच्छर क्या कह रहा है? वो कह रहा है अजीब सी बीमारी हुई है, इकट्ठे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। का शुक्र है हम लोग बचे हुए इस बीमारी से। थैंक यू। और जनाब अब धड़कते दिलों के साथ थोड़ी सी धड़कने रोकें, थोड़ी सी धड़कने रोकें, क्योंकि इस वक्त इस रात की ये आखिरी परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर कोई एक होगा जिसके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुलेंगे और उसको फिर बहुत परफॉर्म करना होगा। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, बहुत सारी तालियों में एक मर्तबा फिर अली सिकंदर और उनके साथी। तमाशा में फिर से मेहमान, सूली पे लटकी इन सब की जान। बनते फिरते थे जो अन्ने खान, ऐसे घूमे हुए परेशान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये घर यारो ट्रबल का डेरा। कोई किसी की बात न माने, चाहे हो जितना भी बखेड़ा। कभी बने जानू तो कभी बने भैया, फीलिंग्स की बात लगी भैया, समझ नहीं ये सबने लगाया चमके तमाशा। का
जानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, ऊपर से भोले हैं अंदर से सब जाने, प्यार भी करते हैं वार भी करते हैं, पहले मखौटे व्यापार भी करते हैं। बादशाह सलामत के सब ही चहीते हैं, कोई निकले बकरी तो कुछ होते जीते हैं, ये जो है पब्लिक जानती सब है, कौन है तोला कौन है माशा, तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार ना, तेरी किस्मत होगी मार, खेल खेल में कर दे बार, पीछे पलट के देखना यार, जो डर गया। इससे पहले मैं एक बहुत अहम चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि आज के जो पांच फाइनलिस्ट थे उनके बारे में अवाम ने जो वोट किया रिजल्ट्स इसके कुछ यूं थे। अनम और साइमा को 10-10% वोट मिले, फिर 15% लोगों ने कहा कि आज की विनर वजिया होनी चाहिए, और अब जो दो लोग बाकी रह गए हैं यानी अरसलान और अकील, जिसमें से एक को मिले हैं 37% और रनर अप के लिए 28% लोगों ने फैसला दिया। तो अब मैं दावत दूंगी यहाँ बादशाह सलामत को कि वो आएँ, अपना स्टेज संभालें और अपने कंटेस्टेंट्स की जो दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं उनको भी संभालें। शायस्ता से पहले आप जाएँ, शायस्ता के लिए बहुत तालियाँ बजाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया, द वे यू हैव होस्टेड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अकील एंड अरसलान। हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये शो मुमकिन हुआ, ऑफ कोर्स पैंटीन, ब्राइट, कश्मीर बनस्पति इन कुकिंग ऑयल एंड ऑफ कोर्स वीगो टेल। साथ ही साथ आप सबका शुक्रिया जिसने तमाशा को पसंद किया, पहले सीजन को पसंद किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, और तीसरे को तो इस कदर किया है कि टीआरपी के हवाले से भी ज़बरदस्त रहा ये हमारे लिए। एक एक घर में ये शो देखा गया है, चाहे वो मेरी फ्रटर्निटी के लोग हों, चाहे वो आम आवाम हो, चाहे वो 163 कंट्रीज़ में लोग हों, सब ने देखा ये शो, सब ने सराहा, ये हमारा तमाशा है, ये हमारे पाकिस्तान का तमाशा है, और ये फैमिली शो है जिसको पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखती है, और ये मुमकिन किया सिर्फ एक ही चैनल ने, चाहे वो ड्रामों के हवाले से हो, चाहे वो रियलिटी शो के हवाले से हो, एआरवाई डिजिटल से बड़ा कोई चैनल नहीं है और इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। तो अब मैं विनर जो होगा, रनर अप जो होगा, उनको बुलाऊंगा। सो प्लीज़ इधर आ जाएं अकील और इधर आ जाएं अरसलान। तेरी जीत में है उनकी हार, एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पैर फाड़ ले। मैं चाहता हूं कि आप दोनों ने अगर कोई स्पीच तैयार की है या कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह दीजिए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मकाम पे ला के खड़ा किया, और उसके बाद एआरवाई नेटवर्क का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं आवाम को दिखा सकूँ। मैंने पूरी कोशिश की है थ्रू आउट 64 डेज कि मैं अपनी आवाम को इंटरटेन कर सकूं, और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता, तो मेरी फैमिली में मुझे हमेशा मेरी जो सपोर्ट रही है वो मेरे बड़े भाई हैं जो यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू भाई। और बादशाह सलामत आपका शुक्रिया, आप एक बेहतरीन इंसान हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट माई ऑडियंस, थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके वोट्स का, मैं आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज यहाँ मौजूद हूँ, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। वेल सर जी अरसलान,
अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो के टॉप टू में खड़ा हूँ. इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी. मुझे याद है कि जब तमाशा में जाने से पहले मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि तुम फाइनल में जाओगे और मैं वहाँ पे साड़ी पहन के आऊँगी, तो आपकी सारी साड़ी बहुत भारी पड़ गई मुझे. मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं दो लोगों को सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. स्पेशली सबसे पहले मेरी मदर, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया सिंगल हैंडेडली. शी इज़ अ सिंगल मदर, और जिन तकलीफ से उन्होंने मुझे पाला पोसा, अम्मी आपको सलूट है. और दूसरे नंबर पे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो आज मेरे सामने बैठी है. मैं, अगर आप ना होती तो मैं ज़िंदगी में कहीं ना पहुंचता. आपने मुझे सिखाया कि मर्द नहीं बनना, इंसान बनना है. और इंसान को दर्द भी फील होता है, इंसान को सब कुछ फील होता है, और हमें तो, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए शायद आई वॉज़ वेरी वल्नरेबल एट वन टाइम, और मैं सिर्फ अपनी बीवी के सामने रोया था. बट नाउ इट्स 163 अदर कंट्रीज़, और आप सब मुझे देख चुके हैं. सॉरी बात लंबी हो गई. सॉरी दानिया, आपकी दोस्ती के बाद ये हुआ है थोड़ा सा. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहूँगा कि मैं आज जीतूँ या हारूँ, मेरे लिए आई एम द विनर. मुझे इस शो ने बहुत ग्रोथ दी है एज अ पर्सन, और मैं बेशक हार जाऊं, बट मुझे पता है कि मैं अपने ऑडियंस का और बहुत से लोगों का दिल जीत चुका हूं. प्लस महर एलिमिनेशन पे हमेशा ये कहता था अरसलान खान प्रोबेबली साइनिंग ऑफ, सो अरसलान खान ऑफिशियली साइनिंग ऑफ फ्रॉम तमाशा सीजन 3. थैंक यू सो मच. वेल सेड. थैंक यू. माशाल्लाह, दोनों ने दिल से जो भी कहा अच्छा कहा. तो मुझे भूल गया. ओ सॉरी. कोई बात नहीं, पाजा सलामत. पता है मैं बहुत कुछ भूल गया, बहुत कुछ मैंने. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं. बट मैं प्लीज 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 मुझे एंड नहीं ये कहने दीजिए. वो सही है. नहीं नहीं प्लीज कहें भाई प्लीज. पता है आपको, आपको जब तक रोज नहीं देखते थे दिल को चैन नहीं आता था. आई रियली लुक अप, लुक आप देख रहे हैं आप क्या हो रहा है मेरे का. आई रियली लुक अप टू यू एज, आप बहुत क्लासी हैं, यू आर वेल स्पोकन, एंड आप ऐसे ही बस 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 दोनों मेरे करीब आ जाओ. तारीफ करने तमाशा सीजन 3 का विनर आज है ग्रैंड फिनाले, जिसको मिलेंगे 25 लाख रुपए, मगर इससे बढ़कर कहीं ज़्यादा सबका प्यार, सबकी मोहब्बतें. बादशाह साहब ये ना करना. पेंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइड, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल. इसका विनर है, इसका विनर है बादशाह साहब. नहीं, इसका विनर है का विनर है ओ भाई में. दिल थाम कर बैठी है, वो नाम लेने लगा हूँ मैं जिसने ये ट्रॉफी जीती है और ये प्राइस मनी. और वो नाम है फकीर. आई लव यू बटन. Yes! Oh, yes! 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 Yes!
Oh. Oh my God. Mani bhai. मेरे लिए ख्वाब है, ये मेरे लिए ख्वाब है, मुझे लगता है ख्वाब है।